सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का अपने ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज दोपहर 12 बजे की सच्ची खबरों में स्वागत है। बहनों, आज आप सबके लिए एक बहुत ही अच्छा सा सरकारी आदेश लेकर के आया हूं, जो कि आंगनबाड़ी केंद्रों की अवस्थापना सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए बेसलाइन डाटा तैयार किए जाने के संबंध में है। और यह लेटर 2 मार्च को अभी अभी जारी किया गया था। निदेशक जी ने यह आदेश समस्त जिलों के जिलाधिकारियों को पूरे उत्तर प्रदेश राज्य में भेजा था। तो यूपी की बहनों के लिए एक बहुत ही अच्छी जानकारी है, आपके आंगनबाड़ी केंद्रों में मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं के संतृप्तिकरण के संबंध में उत्तर प्रदेश के समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों को बाल मैत्रिक अभिगम्यता के अनुरूप और राष्ट्रीय मानदंडों तथा मानक के अनुसार प्राथमिकता के आधार पर निम्नलिखित 18 मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं से संतृप्त कराए जाने के निर्देश प्रदान किए गए हैं। समझ में नहीं आया तो हम आपको बता दें कि 16 फरवरी 2023 को मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन से एक लेटर आया था, जिसमें बोला गया था कि आंगनबाड़ी केंद्रों की अवस्थापना सुविधाओं के बारे में वही चीजें हैं। आंगनबाड़ी सेंटरों पर क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए, मूल रूप से वो चीजें यहां पर आपको जानने को मिलेंगी। तो सभी बहनें वीडियो को लाइक जरूर कर देना। बहनों, जिन भी बहनों को ऑल इंडिया चैनल ज्वाइन करके मेंबर बनना है, उनके लिए जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी है, और बाकी सब्सक्राइब के पास ज्वाइन का ऑप्शन मिलता है, वहां से भी डायरेक्ट ज्वाइन कर सकती हैं। इधर बात करते हैं, देखिएगा 18 चीजें वो कौन कौन सी हैं। पहला है सुरक्षित एवं स्वच्छ पेयजल की सुविधा आंगनबाड़ी केंद्र पर होनी चाहिए। दूसरा है ओवरहेड टैंक के साथ नल जल की व्यवस्था होनी चाहिए। तीसरा है सभी शौचालयों और मूत्रालयों में नल जल की आपूर्ति होनी चाहिए। क्रियाशील बाल मैत्रिक शौचालय होना चाहिए, क्रियाशील महिला शौचालय होना चाहिए। सामुदायिक गतिविधियों में जैसे कि वजन दिवस, अन्न प्राशन दिवस, गोद भराई दिवस, सुपोषण दिवस, वीएचएसएनडी, इनमें आने वाली जो महिलाएं लाभार्थी होंगी और जो बच्चे होंगे, उनकी जो माता होंगी, उन सबके लिए महिला शौचालय भी होना चाहिए। साथ ही क्रियाशील बाल मैत्रिक मूत्रालय भी होना चाहिए। शौचालय और मूत्रालय में टाइलीकरण की व्यवस्था होनी चाहिए। क्रियाशील मल्टीपल हैंड वॉशिंग यूनिट होने चाहिए। प्रति 10 से 12 बच्चों पर अविरल जल आपूर्ति से जुड़ी एक टोटी लगी होनी चाहिए। साथ ही आंगनबाड़ी केंद्र भवन की फर्श का टाइलीकरण होना चाहिए। दिव्यांग मैत्रिक शौचालय होने चाहिए, जो बच्चे दिव्यांग हैं उनके हिसाब के जो है, यानी वो कमोड टाइप वाले। साथ ही देखिए कक्षा कक्ष में उचित ऊंचाई के साथ ब्लैक बोर्ड और ग्रीन बोर्ड वो होने चाहिए। आंगनबाड़ी केंद्र भवन में रंगाई पुताई और बाला चित्रकारी होनी चाहिए। दिव्यांग लाभार्थियों के लिए रेलिंग युक्त रैंप भी होनी चाहिए। विद्युत संयोजन और विद्युत आपूर्ति वाह्य विद्युतीकरण वो भी होना चाहिए। विद्युत सुरक्षित वायरिंग के साथ लाइट और पंखे आंतरिक विद्युतीकरण में वो होने चाहिए। फर्नीचर में लो लाइन डेस्क और बेंच बच्चों के पठन पाठन में उनकी उम्र के अनुसार की होनी चाहिए। गेट के साथ बाउंड्री वाल होनी चाहिए। नॉन को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए बाउंड्री वाल जरूरी। रसोई घर में सिंक के साथ नल जल की व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये चीजें हैं जो आंगनबाड़ी सेंटरों पर अवस्थापना सुविधाओं के संतृप्तिकरण के को लेकर के जो है चीजें हैं, जो कि 18, इनके बारे में बोला गया कि उपरोक्त 18 संकेतकों के संतृप्तिकरण असंतृप्तिकरण का बेसलाइन डाटा तैयार किए जाने के क्रम में गूगल सीट आंगनबाड़ी केंद्रवार और कोडवार IRS पोर्टल पर जनपदों के द्वारा, ध्यान देना आगे लिखा गया है, ईमेल द्वारा सब प्रेषित की जा रही हैं, जिसमें फील्ड सर्वे के उपरांत प्रत्येक कॉलम में ड्रॉप डाउन ऑप्शन के माध्यम से सूचना भरी जानी है। शासन के उपरोक्त निर्देश के क्रम में इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि बेसलाइन डाटा तैयार किए जाने का कार्य 15 मार्च तक पूर्ण करने का कष्ट करें। तो अभी मुझे लगता है ये बेसलाइन डेटा तैयार नहीं हो पाया है विभाग के स्तर से, तो मार्च में तैयार करने के लिए सरनीत कौर ब्रोका जी जो कि निदेशक है, उन्होंने लेटर निकाला था। तो इससे आपको ये पता चला कि ये सब सुविधाएं आंगनबाड़ी केंद्रों पर होनी चाहिए है कि नहीं है, इस बात को लेकर के निदेशालय से सर्वे कार्य कराया जा रहा। अब इसके बारे में भी चीजें आई। साथ ही देखिएगा इस संबंध में मैंने अभी आपको बताया
कि दुर्गा शंकर मिश्र मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन से उन्होंने एक लेटर जारी करके समस्त मंडलायुक्तों को उत्तर प्रदेश में और समस्त जिला अधिकारियों को उत्तर प्रदेश में 16 फरवरी को भेजा। मैंने अभी इसी लेटर का जिक्र आपके सामने किया था। ये पूरा इसी आंगनबाड़ी केंद्रों की अवस्थापना सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के संबंध में है। और अब आपको मेन लेटर हम दिखाते हैं जो कि पूरा पूरा आप कह सकते हैं इस बात को लेकर के हर एक जानकारी इसमें दी गई है। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं इसका अनुश्रवण मूल्यांकन कैसे होगा, साथ ही साथ ये अनामिका सिंह जी ने जारी किया था, सचिव थी, और इनके अलावा यहां पर प्रचलित वित्त पोषण व्यवस्था इसके लिए क्या है तो वो अभी हम आपको बताएंगे। इसके अलावा यहां पर आप देखिए 18 चीजों को लेकर के क्या क्या चीजें हैं किस हिसाब से वो बताएंगे, और ये 3 प्रारूप भी हमारे पास हैं जिनको भी आप सबको बताएंगे कि इन प्रारूपों को किस हिसाब से इनमें कॉलम है और क्या क्या सुविधाएं जो यानी क्या क्या जानकारी जिलों से वहां पर भर करके मांगी जा रही है। तो सबसे पहले तो आप ये देख लीजिएगा कि आप अवगत हैं कि प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से 0 से 6 वर्ष के बच्चे, गर्भवती धात्री महिलाएं, अति कुपोषित बच्चे, किशोरी बालिकाएं, इनके लिए ICDS के अंतर्गत बाल विकास पुष्टाहार विभाग के द्वारा अनुपूरक पोषाहार, स्कूल पूर्व शिक्षा, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा संदर्भन सेवाएं ये सब प्रदान की जाती हैं जो कि ICDS की मुख्य सेवाओं के रूप में कही जाती हैं। भारत सरकार के पत्र संख्या दी गई है जो कि 1 अगस्त 2022 का लेटर है जिसके द्वारा मिशन सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 इसकी गाइडलाइन के तहत आंगनबाड़ी केंद्र की अवस्थापना सुविधाओं को बेहतर किया जाना है, उसी को लेकर के लाभार्थियों को अनुकूल उनके वातावरण भी वहां पर देना है, तो इसीलिए इन चीजों पर जोर दिया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं इसी के बारे में यहां पर सब दर्शाया गया। अब ऐसे में मैं आपको बता दूं ये वही 18 संकेत हैं जो कि अभी मैंने आपको एक एक करके बता दिए हैं, तो इनको बार बार दोहराने की मुझे आवश्यकता नहीं है। अब हम ले चलते हैं आगे ताकि और चीजें आपको हम बता पाए। तो जैसा कि ये देखिए प्रचलित वित्त पोषण व्यवस्था क्या है, तो जैसा कि आपने देखा पहला पॉइंट था सुरक्षित एवं स्वच्छ पेयजल, तो जल जीवन मिशन 100 दिन का अभियान इसके अंतर्गत वित्त पोषण व्यवस्था के रूप में आएगा। 15वें वित्त और राज्य वित्त आयोग, निकाय निधि, निगम निधि, स्मार्ट सिटी फंड, अर्बन लोकल जो है बॉडी फंड, इनसे जो है चीजें आएंगी। प्रमुख सचिव महिला बाल विकास अनुभाग 2 उत्तर प्रदेश शासन के अर्थशास्त्री पत्र संख्या दर्शाया गया है 24 जुलाई 2019 का। ये वित्त पोषण की व्यवस्था इनके तहत की जाएंगी। अब ओवरहेड टैंक के साथ नलजल व्यवस्था, शौचालय मूत्रालय में नलजल की आपूर्ति वो होगा 15वें वित्त राज्य वित्त आयोग, ग्राम निधि, निकाय निधि और निगम निधि, स्मार्ट सिटी फंड, अर्बन लोकल बॉडी फंड, जिस ही कैटेगरी का जिस भी क्षेत्र में आएगा उसी हिसाब से, गांव में है तो ग्राम निधि से ऐसे ही चीजें वहां पर देख, नगर में है तो नगर जो है निगम निधि से आएगा, इस तरह से चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो आगे क्रियाशील बाल मैत्रिक शौचालय वो मनरेगा के थ्रू भी इसमें फंडिंग होगा यानी पैसा होगा उनके थ्रू बनेगा, ऐसी चीजें यहां पर सब दर्शा दी गई है कौन सी चीज किसके जो है अंतर्गत आएगी वित्त जो है यानी पैसों के बारे में, वित्त पोषण व्यवस्था के बारे में। ऐसे ही आप देख सकते हैं 18 की 18 चीजें दर्शाई गई हैं। अब आगे ले चलते हैं, आप देख सकते हैं इस तरीके से विद्युत कनेक्शन का देख सकते हैं, जैसे विद्युत संयोजन और विद्युत आपूर्ति, इसमें विद्युत कनेक्शन विभाग द्वारा तथा बिल भुगतान ग्राम निधि से किया जाएगा, ग्राम निधि से ग्राम स्तर पर प्रधान के द्वारा वहां पर बिल वगैरह का होना चाहिए। लेकिन आप देखते हैं काफी जगह आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के नाम से बिल वगैरह फाड़ दिए गए यानी उनके नाम बिल ठोक दिए गए। अब ऐसे में हो रही है दिक्कतें क्योंकि लाइट बहने कहती है आ नहीं रही है, सुविधाएं केंद्र पर है नहीं और बिल आ रहा है। अब ऐसे में ये चीजें हैं तो विभाग को ध्यान देना चाहिए, जो भी कनेक्शन वाली चीजें हैं सेंटरों पर, स्कूलों में हो गई या आंगनबाड़ी केंद्रों में हो गई, वो कार्यकर्ताओं बहनों के हिसाब से नहीं होकर के प्रधानों के हिसाब से होनी चाहिए। लेकिन उसमें शायद समस्या एक ये थी कि 5 साल में जैसे प्रधान बदलते जाएंगे उसके बाद में फिर क्या होगा, तो फिर चीजें दिक्कत करेंगी, बार बार विद्युत कनेक्शन में नाम तो चेंज हो नहीं पाएंगे, कितनी बार चेंज करेंगे, शायद यही एक कारण हो सकता है। खैर इसको छोड़ते हैं, पीछे अनुश्रवण के लिए प्रारूप नंबर 1 हम आपको दिखाते हैं जिनमें कि आंगनबाड़ी देखो कार्यकर्ता का नाम भरा जाएगा, केंद्र का नाम, केंद्र का कोड, मुख्य सेविका का नाम, जनपद का नाम, ब्लॉक का नाम, ऐसे भरा जाएगा। तो ये आप सबके काम का लेटर है यानी प्रारूप है, इसको जान लीजिएगा। सुरक्षित एवं स्वच्छ पेयजल को लेकर के भरा जाएगा, इसमें ध्यान देना 18 के 18 वही चीजें हैं जो कि मैंने आपको अभी एक एक करके सब बताई हैं, तो वही 18 चीजों को लेकर के ये भरा जाएगा जिनमें कॉलम आपको हम बताना चाहेंगे।
और ये 18 के 18 को बार बार रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है, उन्हीं 18 पॉइंटों को लेकर के बातें हैं, आगे क्या है वो जान लो। तो क्या ग्राम यहां लिखा है संतृप्त या असंतृप्त अवस्था में, अगर संतृप्त है तो ठीक है, अगर नहीं है तो क्या ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, नगर निकाय इनके द्वारा या अन्य किसी योजना के माध्यम से संतृप्त किए जाने के लिए केंद्र का चयन किया गया कि नहीं। जहां पर केंद्र नहीं है वहां केंद्र हो, यहां पर पेयजल की सुविधा नहीं पेयजल हो, जो भी मैंने आपको मानक बताए उनको लेकर के क्या कार्य गतिमान है, यानी क्या इस चीज को लेकर के कार्य हो रहा है, कार्य प्रगति पर है कि नहीं है वो दर्शाना है। क्या इस माह में कार्य पूर्ण हो जाएगा इसके बारे में, क्या अगले माह किसी कार्य योजना में संतृप्त किए जाने के लिए चिन्हित किया गया है। तो जिस कैटेगरी में जो भी आपका ये पॉइंट आएगा, जो 18 पॉइंट मैंने स्टार्टिंग में बताए, उसको लेकर के ये पूरा कॉलम तैयार होगा। इसके अलावा अनुश्रवण के लिए प्रारूप 2 है जो कि ये जनपद स्तर का है, तो ये जिले के अधिकारी के द्वारा भरा जाएगा, तो ये जिले लेवल का है तो वो अपना तैयार करेंगे डेटा। ऐसे ही ये देखो जनपद स्तर का प्रारूप नंबर 3 भी है, इसको भी वही लोग अपना तैयार करेंगे। तो इसमें जिला कार्यक्रम अधिकारी का नाम दर्शाया गया, और इसमें ये CDPO लेवल का है, ये अपना तैयार करके जिले को भेजेंगे। तो एक हो पहला आंगनबाड़ी का, दूसरा CDPO का, तीसरा उनका हो गया, ऐसे चीजें यहां पर जाएंगी। अब फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो को यहीं रखते हैं, अगले वीडियो में आप सबको शाम को फिर मिलेंगे। अभी के लिए दोस्तों धन्यवाद।